नागेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां स्थान है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र में द्वारिकापुरी के 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में एक अद्भुत महिमा कही गई है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों का देवता भी कहा जाता है। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है, जो भगवान शिव का एक अन्य नाम है। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में बैठकर श्रद्धा पूर्वक महात्मा की कथा सुनता है, उसके पाप धुल जाते हैं। मैं रितेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं ड्रीम टैलेंट की एक और नई एजुकेशनल वीडियो में, और सभी शिव भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले 2 और ज्योतिर्लिंगों के बारे में जब हम वीडियो डालें तो उन तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में भी एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार सुप्रियस नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का अनन्य भगत था। उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वह बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा और सदाचारी था। उसकी इस भक्ति और सदाचारिता से एक बार दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति के होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए वह ऐसे अवसरों की तलाश करता रहता था जिससे वह सुप्रिय को नुकसान पहुंचा सके। एक दिन जब सुप्रिय अपनी नाव में सवार होकर समुद्र के जल मार्ग से कहीं जा रहा था, तभी दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने नाव पर सवार सभी लोगों को सुप्रिय सहित अपहरण कर लिया और कारागार में बंद कर दिया। सुप्रिय भगवान शिव का अनन्य भगत था। वो कारागार में भी शिव जी की आराधना को नहीं छोड़ता था, और उसने अपने सभी साथियों को शिव का अनुसरण करने को जागरूक किया और भगवान शिव का भगत बना दिया। कारागार में शिव भक्तों का बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वो क्रोधित हो गया। वह व्यापारी के पास कारागार पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मगन था। राक्षस ने उसे ध्यान मुद्रा में देखा और क्रोध करना प्रारंभ किया, लेकिन उसका असर सुप्रिय पर नहीं पड़ा। तंग आकर राक्षस ने अपने अनुचारों को कहा कि वह व्यापारी को मार डालें, यह आदेश भी व्यापारी को विचलित ना कर सके। इस पर व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने व्यापारियों को पाशुपात अस्त्र दिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सकें। इस अस्त्र से सुप्रिय ने राक्षस दारू तथा उसके अनुचारों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। द्वारिकापुरी के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी मनमोहक विशाल प्रतिमा है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर दूरी से दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस मूर्ति को 125 फीट ऊंचा और 25 फुट चौड़ा बनाया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के मुख्य द्वार बिल्कुल साधारण है, लेकिन सुंदर है। मंदिर के पहले एक सभागृह है, जिसे जहां
पूजा सामग्री की छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। पांडव जब कौरवों से खेल में हार गए थे तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सुनाया गया था। इस दौरान पांडवों ने पूरे भारत का भ्रमण किया था। घूमते घूमते वे इस तारुक वन में आए। उस स्थान पर उनके साथ एक गाय भी थी जो प्रतिदिन सरोवर में उतरकर दूध देती थी। एक बार भीम ने ये देखा और अगले दिन वह गाय के पीछा करते हुए सरोवर में उतर गया और उसने भगवान महादेव के इस शिवलिंग को देखा। और गाय हर दिन शिवलिंग में दूध छोड़ा करती थी। तब पांचों पांडवों ने उस सरोवर को नष्ट करने का निश्चय किया और भीम ने अपनी गदा से उस सरोवर के चारों ओर प्रहार किया और सभी ने महादेव के शिवलिंग के दर्शन किए। श्री कृष्ण ने उन्हें इस शिवलिंग के बारे में बताया और कहा कि ये शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तब पांचों पांडवों ने उस स्थान पर एक अखंड पत्थर से मंदिर बनाया। फिर ये मंदिर यादव वंश द्वारा फिर से निर्माण किया गया और कहा जाता है कि ये 13वीं शताब्दी का है जो 7 मंजिल के पत्थर की इमारत से बना है। बाद में छत्रपति शांबाजी महाराज के शासनकाल में औरंगजेब ने इस मंदिर की इमारत को नष्ट कर दिया। औरंगजेब की जीत के दौरान इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। मंदिर के वर्तमान खड़े शिखर को पुनर्निर्माण अहल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें ताकि हमें पता लगता रहे कि हमें और कहाँ इम्प्रूव करना है, ताकि आने वाले 2 और ज्योतिर्लिंगों के बारे में जब हम वीडियो बनाएं तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखें। धन्यवाद।